पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए शर्मनाक बयान पर जिला भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने करनाल के भगवान वाल्मीकि चौक व घंटाघर पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के पुतले को जूते मारकर व उसका पुतला फूंककर रोष जताया गया। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बटला ने कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस प्रकार अभद्र भाषा का प्रयोग किया है काफ़ी निंदनीय है और यह उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। जी मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा, एक छोटी मानसिकता जो होती है ना वो दर्शा दी है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जब क्या कहते हैं, जब आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जब आप शेर का ना शिकार कर नहीं सकते तो कुत्ते भोंकते ही हैं, तो वही है, कुत्ता भोंक सकता है और छोटी छोटी बातें कर सकता है, तो उसके भोंकने से कभी शेर की छवि कभी कम नहीं हो सकती। तो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ, हमारे भारत का जो शेर है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, वो हमेशा जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। किसी छोटे मोटे कुत्ते के भोंकने से कभी उनकी छवि खराब नहीं हो सकती, उनकी छवि पूरे विश्व में है, जो बनी हुई है उन पे कोई दाग लगा ही नहीं सकता, और ऐसे कुत्ते के भोंकने से कभी ऐसे दाग लगते नहीं है कभी किसी की छवि पे। कल विजय दिवस मनाया गया है, कल विजय दिवस मनाया है, उसको लेकर पाकिस्तान की सचेतन नहीं है। पाकिस्तान की तो देखो, ये क्या पाकिस्तान का तो आप क्या जिक्र करेंगे। अब पता क्या होता है, एक दुश्मन का बार बार जिक्र करके उसको बार बार क्या बढ़ावा देना। छोटी मानसिकता थी, उसने जो भोंकना था भोंक दिया, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज पूरे विश्व का एक चेहरा बने हुए हैं, वो हमेशा बने रहेंगे, ऐसे कुत्ते के भोंकने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी भारत जोड़ो यात्रा करना जी, आप देख ही रहे हो कोई कितना भारत जोड़ रहे हैं। भारत जोड़ना था तो गुजरात में जोड़ते जहाँ इलेक्शन था, यहाँ भारत जोड़ रहे हैं। जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ तो जुड़ते नहीं है, जहाँ इलेक्शन नहीं होते वहाँ घूमते रहते हैं टोलियाँ लेके, उससे क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं। जी धन्यवाद। ये देश के जिस प्रकार से एक दिवालिया देश के गृह मंत्री ने घटिया बयान नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इस देश के खिलाफ और राष्ट्रीय संघ के खिलाफ दिया है, वो उसकी घटिया और दिवालिया सोच को दर्शाता है। इस जो बयान का दिया है, भारतीय जनता पार्टी इसको सिरे से खारिज करती है, और ऐसे जो आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है उसको हम कई बार हम हरा चुके हैं, कई बार उसको मुंह के खानी पड़ी है, उसके बाद भी उसके नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो सर राहुल गांधी करनाल में आ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इस प्रकार के अपशब्द कहे हैं। देखिए कांग्रेस की हमेशा है देश को बांटने की, काटने की और तोड़ने की नीति रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी उसी लाइन पर चलेंगे, और अगर ऐसे उन्हें कोई बयान दिया है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी कठोर निंदा करती है। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं? जितने भी लोग उसके अंदर लगे हैं सारे भारत तोड़ने की बात करने वाले लोग लगे हुए हैं, भारत जोड़ने का एक सिर्फ ये एक नाटक है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है।